हेलो एवरीवन, दही खाना हर उम्र के व्यक्ति को बहुत पसंद होता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर दही को सही तरीके से खाया जाता है तो यह अमृत का काम करता है, और अगर गलत तरीके से लिया जाता है तो यह जहर का काम करता है। दही खाने के संबंधी क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, दही की तासीर कैसी होती है, किस मौसम में यह खानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन से समय में खानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारी आने वाली वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दही हमारी भूख को बढ़ाती है, थोड़ा खट्टे स्वभाव की होती है, इसलिए जिनको भूख कम लगती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिनको बार बार दस्त लगते हैं, मरोड़ उठते हैं, उनके लिए भी दही खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हाँ, मोटे लोगों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर में कफ को बढ़ाती है, पचने में थोड़ी भारी होती है। इसलिए जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, बलगम बनी हुई है, शरीर मोटा है, उन लोगों को दही का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दही के अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो यह स्वभाव से गर्म होती है। अक्सर लोग देखा जाता है सर्दियों में दही खाना बंद कर देते हैं, लेकिन यह तो गर्म स्वभाव की होती है, इसलिए हम इसको सर्दियों में खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। रात में दही नहीं खाना चाहिए। आजकल ट्रेंड है ब्याह शादियों में, पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज के अंदर रात में दही रायता के रूप में या किसी भी रूप में मौजूद होता है और लोग दही खाते हैं। वो बिल्कुल विरुद्ध है, शरीर के लिए ठीक नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। रात के समय में दही किसी भी प्रकृति का, चाहे वो वात प्रकृति का है, चाहे पित्त प्रकृति का है, चाहे कफज प्रकृति का है, किसी को भी नहीं खानी चाहिए। वह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है रात में दही खाना। रात में दही खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, शरीर के अंदर त्वचा के रोग हो सकते हैं जिसमें सफ़ेद दाग हो सकते हैं चमड़ी के अंदर, या फिर हमारे हाजमे में दिक्कत हो सकती है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, उल्टियां लग सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, जॉन्डिस पीलिया होने की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए रात के अंदर दही किसी भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। सुबह और दोपहर के समय आप दही खाएं, वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में भी आप दही खाएं, वो भी शरीर के लिए बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस समय दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो उस ऐसे सीजन्स में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग देखा जाता है पराठे खा रहे हैं, उसके साथ दही ले रहे हैं, ऊपर से चाय भी ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल विरुद्ध होता है। अगर दही के साथ दूध या चाय किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है, उससे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए अगर आप दही पराठा ले रहे हो तो उसके ऊपर आप दूध या चाय का इस्तेमाल ना करें, वो हमारी इम्यूनिटी में गड़बड़ कर देता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही के अंदर नमक डालकर लेना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बॉडी के लिए जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो दही में मौजूद होते हैं। इसीलिए दस्तों में दही दिया जाता है क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया है दस्तों में मल के साथ निकल जाते हैं। अगर हम दही के अंदर नमक डालकर लेते हैं तो वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिस कारण दही का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। आयुर्वेद में तो कहा है कि दही को आप मूंग की दाल के साथ, शक्कर के साथ, आंवले के साथ, मिश्री के साथ ले सकते हैं। तो दही खाना शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शरीर को यह बल देता है, शरीर की वृद्धि करता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पेट हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको बार बार दस्त मरोड़ लगते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बात हमें ध्यान में रखनी है, अगर हम उन बातों को ध्यान में रख के दही का सेवन करते हैं तो ही हमें फ़ायदा होगा। हमें सही समय का ज्ञान होना चाहिए, कैसे हम ले रहे हैं वो चीज़ अगर हम ध्यान में रख के दही का इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे आने वाली अगर हम कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बच सकते हैं। तो सही तरीके से इसका इस्तेमाल खुद करें, अपने परिवार को भी कराएं। यह दही से संबंधित
संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस संबंध में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में जानकारी मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।